हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न फॉर नॉलेज। WBPSC आप लोग का ICDS का जो सुपरवाइजर का रिजल्ट हुआ तो उसका मैंने आप लोग को कल ही वीडियो प्रोवाइड करवाया था कि आप लोग का मेंस का क्लासेस मैं स्टार्ट करवाने वाला हूँ। और ये इस मेंस के क्लास में आप लोग का फुल्ली बेस्ड आप लोग का हिंदी एंड इंग्लिश पे फोकस किया जाएगा। और इसका आप लोग का कोर्स भी मैंने बता ही दिया था। जो लोग पहले से क्लर्कशिप के बैच में हो उन लोग का 300 होगा एंड जो न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं उन लोग का 400 होगा, जिसमें आप लोग का चारों के चारों सब्जेक्ट किया है कवर किए जाएंगे। जैसे आप लोग का GK, करंट अफेयर्स, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये सब कुछ आप लोग का कवर किया जाएगा। तो आप लोग जब अभी तक अगर ज्वाइन नहीं हुए तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का सब डिटेल्स दिया हुआ है कैसे करके ज्वाइन हो सकते हो। तो आज ये क्लास नंबर 1 है। वैसे भी मैंने बोला था 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक आप लोग का टोटल 5 क्लासेस जो होंगे फ्री होंगे। उसके बाद अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगता तो कोई बात नहीं है फ्रेंड्स। आप लोग कोई भी बुक परचेज करके क्या कर सकते हो, क्लास कर सकते हो, या कुछ भी बुक परचेज करके आप लोग जस्ट अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। और यहाँ पर मैं जब बता दूँ आप लोग को, बहुत सारे बुक्स PDF मिलने वाले हैं पेड ग्रुप में। अभी नहीं, 15 तारीख के बाद मिलेगा। जो लोग आप लोग ज्वाइन हो चुके हो पेड करके तो आप लोग को तो ये PDF मिल ही गया होगा। तो आप लोग PDF देख लीजिएगा आराम से। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट क्लास करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देख ही पा रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांसलेशन है। देन उसके बाद वापस आप लोग का इसको ट्रांसलेट करना है हिंदी में। देन सेकेंड क्वेश्चन आप लोग का लिटरेचर, एडल्ट लिटरेसी के ऊपर आप लोग का ऐसे लिखना था, बट ये आप लोग का आउट ऑफ सिलेबस है क्योंकि अभी तो सिलेबस एकदम चेंज कर दिया है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आप लोग का एब्रीविएशंस दिए गए हैं। देन आप लोग का थोड़े से GK के क्वेश्चंस है। उसके बाद आप लोग का नेक्स्ट करंट अफेयर्स का क्वेश्चंस है। करंट अफेयर्स के बाद आप लोग का आता है ये जनरल साइंस जो है इसका क्वेश्चन है। उसके बाद आप लोग का 8 क्वेश्चन आ रहा है आप लोग का, 5 करके दिया है। और ये 2005 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तब ऐसा था पैटर्न था। और ये आप लोग का क्या है, मैथ्स का क्वेश्चन है। उसके बाद 9th वाला जो था आप लोग का बंगाली था, बट बंगाली के बाद हिंदी का क्वेश्चन अलग था मैंने सुनने को आया है। तो हिंदी का क्वेश्चन जब भी मिलेगा मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी फ्रेंड्स। तो बंगाली का भी मैं अपलोड कर दूंगा, उसका भी अलग सा मैं करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो 2005 का मेंस का क्वेश्चन है ये 100 मार्क्स टोटल था इन टोटल। और इसमें आप लोग का 100 क्वेश्चंस नहीं थे, ऐसे करके नहीं थे, यहाँ पे क्या कन्वेंशनल मेथड में था, ठीक है। यानी कि आप लोग को पूरा लिखना पड़ेगा, इस बार भी वैसा ही है। और यहाँ पे टोटल 3 आवर्स दिए गए थे, बट इस बार आप लोग का पता ही है क्या है, टोटल 4 सब्जेक्ट है और सबका आप लोग का 100 मार्क्स करके दिया है। तो पैटर्न एकदम चेंज हो चुका है, सिलेबस भी एकदम चेंज हो चुका है। तो पैटर्न और सिलेबस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था आप लोग को इसके अराउंड 2 दिन पहले 8 तारीख को। तो वो वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, वहाँ से आप लोग का पूरा एक आइडिया हो जाएगा। वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मैं दे दूंगा। तो आज का ये वीडियो सॉल्यूशन के ऊपर वीडियो है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो मैं पहले अपना कैमरा हटा दूँ ताकि जगह स्पेस कम खाए, ठीक है। तो यहाँ पे रुकिए, आप लोग देख पा रहे हो WBPSC का ICDS का सुपरवाइजर का आप लोग का सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग का, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। इंग्लिश में आप लोग को पैसेज को ट्रांसलेट करना है। तो सबसे पहले आप लोग को दिखा देता हूँ क्वेश्चन में क्या है। महिला ने कहा, रुकिए ये वाला, महिला ने कहा शैलेश्वर आपको आशीर्वाद दे। उसके बाद अब यहाँ पे ट्रांसलेट कैसे करना है मैंने आप लोग को बताया है। अगर आप लोग क्लर्कशिप का क्लास कर रहे हो तो उसमें मैं बताते रहता हूँ। ये आप लोग का फर्स्ट क्लास है तो आप लोगों को अच्छी तरह से मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप पूरा एक सेंटेंस पढ़ोगे जब तक आप लोग का यहाँ पे पूर्ण विराम नहीं आता, यानी कि फुल स्टॉप नहीं आता। तो ये हो जाएगा आप लोग का फर्स्ट सेंटेंस, महिला ने कहा शैलेश्वर आपको आशीर्वाद दे। ये तो उसका ही आप लोग का ट्रांसलेट, जब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता तब तक ट्रांसलेट नहीं कीजिएगा। यहाँ पे सेंटेंस जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद आप लोग ट्रांसलेट कीजिए। तो यहाँ पे क्या है, द वुमेन सेड मे शैलेश्वर ब्लेस यू या ब्लेसेज यू, कैसे भी आप लिख सकते हो, दोनों एक ही है। देन नेक्स्ट है, आधी रात को जब तूफान थम गया तो युवक ने कहा कृपया साहस के साथ कुछ समय के लिए यहाँ रुके। यहाँ पर आप लोग का फुल स्टॉप हो गया, लेकिन आप लोग का जो इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ था इन्वर्टेड कॉमा आप लोग का फिनिश नहीं हुआ। तो अब थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, मैं दीपक लाने के लिए पास के गांव जा रहा हूँ। ये हो गया आप लोग का इन्वर्टेड कॉमा भी ख़त्म और पूर्ण विराम भी स्टार्ट हो गया और वो ख़त्म भी हो गया। तो उसका ही मैं आप लोग को ट्रांसलेट कर देता हूँ, वेन द स्टॉर्म स्टॉप्ड एट मिडनाइट द यंग मैन सेड प्लीज़ स्टे हेयर फॉर सम टाइम विद करेज। यानी कि साहस दिखाने को आप लोग क्या बोल देते हो, करेज बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग साहस को करेज बोल देंगे। देन नेक्स्ट है, आई एम गोइंग
टू ए नियर बाई विलेज टू कलेक्ट ए लैम्प। ठीक है, यहाँ पे दीपक लाने को आप लोग क्या बोल रहे थे, लैम्प। देन नेक्स्ट है आप लोग का, यह सुनकर बोलने वाली महिला ने कहा, महाशय आपको गांव जाने की ज़रूरत नहीं है, जो व्यक्ति इस मंदिर की देखभाल करता है वह पास में ही रहता है, चांद निकल चुकी है, मंदिर के बाहर से आप उसकी कुटिया देख सकते हैं सकेंगे, क्योंकि वह अकेले कुटिया में रहता है इसलिए वह हमेशा आग जलाने के लिए सामग्री रखता है। ये मैंने पूरा पढ़ दिया, अब क्या है पार्ट बाय पार्ट आप लोगों को ट्रांसलेट करता हूँ। यह सुनकर बोलने वाली महिला ने कहा, महाशय आपको गांव में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका आप लोगों का ट्रांसलेशन हो जाएगा, लिसनिंग टू दिस द वोमैन हु वॉज स्पीकिंग सेड, सर यू नीड नॉट टू गो द विलेज, गो टू द विलेज, ये हो गया। द नेक्स्ट है, जो व्यक्ति इस मंदिर की देखभाल करता है वह पास में ही रहता है, द पर्सन हु लुक्स आफ्टर, देखभाल करना यानी कि आप लोग का हो जाएगा लुक्स आफ्टर, ठीक है, देखभाल करता है वो पास के ही, लुक्स आफ्टर दिस टेम्पल लिव्स नियर बाय, यानी कि पास में रहना है कि नियर बाय, ठीक है। द नेक्स्ट है, चांद निकल चुकी है, द मून लाइट हैज़ केम आउट, मंदिर के बाहर से आप उसकी कुटिया देख सकेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर कर दूँ, यू विल बी एबल टू सी हिज कॉटेज फ्रॉम आउटसाइड द टेम्पल, कुटिया को हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे, टेम्पल बोल देंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है आप लोग का, क्योंकि वह अकेले कुटिया में रहता है इसलिए वह हमेशा आग जलाने के लिए सामग्री रखता है, उसका आप लोग का ट्रांसलेशन हो जाएगा, एज ही लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज ही ऑलवेज प्रिजर्व्स मटेरियल फॉर लाइटनिंग फायर। तो ये हो गया आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का ट्रांसलेशन, ये आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ऐसे करके आप लोग का टोटल क्वेश्चंस थे 9 और उसका आप लोग का मार्क्स दिया हुआ था टोटल 100 मार्क्स, और उसको मैं आप लोग का टाइम क्या दिया हुआ था, टोटल टाइम आप लोग का 3 आवर्स था, बट इस बार का पैटर्न एंड सिलेबस चेंज हो चुका है, तो उसका पैटर्न एंड सिलेबस के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप लोग देख सकते हो। और ये सेकेंड है आप लोग का सेकेंड क्वेश्चन, ये जो है ऐसे लिखना है किस पे, एडल्ट लिटरेसी के ऊपर, लिटरेसी और एडल्ट लिटरेसी ये सब आप लोग का वुमेन एम्पावरमेंट सब जीके के पोर्शन में रहेगा, और जीके के पोर्शन में क्या क्या रहेगा मैं आप लोग को अच्छे से बता दूंगा, एक WPSC के मिसलेनियस का भी मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो आप लोग को आइडिया आ जाएगा, क्योंकि आप लोग का WPSC का मिसलेनियस और ICDS का एक ही टाइप का एग्जाम होता है, एकदम हूबहू नकल होता है, तो आप लोग को वो भी एक सॉल्व करवा दूंगा, तो आप लोग को एक आइडिया आ जाएगा कैसे टाइप का क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, अगर आप लोग को सोल्यूशन चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट में बोलिए, सर मैं हमको इसका सोल्यूशन चाहिए, तो मैं आप लोग को अलग से ये सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा विद PDF, ठीक है। तो नेक्स्ट आ रहा है आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3rd वाले क्वेश्चन में क्या है, जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना था, ट्रांसलेट करना था इंग्लिश में, वैसे इस इंग्लिश को अब किस में ट्रांसलेट करना है आप लोगों को, हिंदी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं, वी आर ऑल इंडियंस, देन उसके बाद क्या है, द इंडियंस आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, द सॉइल ऑफ इंडिया इज आवर हेवन, ऐसे करके आप लोग का पूरा एकदम सिंपल सिंपल है, कोई डिफिकल्ट सा नहीं है, तो उसी का आप लोग का ट्रांसलेशन मैं यहाँ पे पढ़ देता हूँ। आज थोड़ा सा फर्स्ट क्लास है तो इसमें थोड़ा सा मैनेज करना भूल गया, क्या करता हूँ मैं आप लोग को, जैसे नॉर्मली क्लास करता हूँ तो इसको ऐसे लिखता हूँ, देन उसके पास आप लोग का हिंदी वाला लिखता हूँ, देन इसको लिखता हूँ, देन उसके पास हिंदी वाला लिखता हूँ, ऐसे करके आप लोग का ट्रांसलेशन होता है। तो वी आर ऑल इंडियंस इसका हो जाएगा, हम सब भारतीय हैं। देन नेक्स्ट है, द इंडियंस आर आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इसका हो जाएगा आप लोग का, भारतीय हमारे भाई बहन हैं। देन नेक्स्ट आप लोग का यहाँ पे, द सॉइल ऑफ इंडिया इज आवर हेवन, इसका मतलब है आप लोग का भारत की धरती हमारा स्वर्ग है, हेवन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर्ग बोल देते हैं, ठीक है। देन वी आर प्राउड दैट वी आर इंडियंस, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं, तो इसका हो जाएगा क्या, हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। देन नेक्स्ट, दिस इज द कंट्री वेयर ग्रेट सन्स लाइक बुद्धा, शंकर, राम कृष्णा, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र एंड अदर्स वर बॉर्न, यहाँ पे आप लोग को फुल स्टॉप आया, यहाँ तक आप लोग को कम्प्लीटली फुल पढ़ना है। देन उसके बाद आप लोग को देखिए यहाँ पे, यह वह देश है जहाँ बुद्ध, शंकर, रामकृष्ण, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ, सुभाष चंद्र और अन्य जैसे महान पुत्र हुए थे, इनके जैसे बहुत सारे महान पुत्र ये सब जन्मे थे, ये सब बताना चाहते थे। नेक्स्ट है, वी शैल फॉलो देयर फुटप्रिंट्स,
हमें उनके पद चिन्हों पर चलेंगे. देन नेक्स्ट है इंडिया वॉज ग्रेट इन द पास्ट शी विल बी ग्रेट इन फ्यूचर. इंडिया एक हम पता ही है भारत माता है तो इसको हम लोग सी बोलते हैं. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत अतीत में महान था वह भविष्य में महान होगा. तो इसका आप लोग का ट्रांसलेशन यहाँ पे सिंपली हो गया. ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ऐसा ही सिंपल सिंपल आता है. बट आप लोग को क्या टाइम मैनेजमेंट करना सीखना होगा, किस चीज़ को आप लोग ज़्यादा टाइम दोगे किस चीज़ को कम. और यहाँ पे आप लोग का जो क्वेश्चन है इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन, यहाँ पे आप टोटल आप लोग का 4 क्वेश्चन आएंगे. वो सब मैं आप लोग का बता चुका हूँ, आप लोग वीडियो देख लीजिएगा. देन नेक्स्ट है व्हाट, अब आता है आप लोग का एब्रीविएशन. एब्रीविएशन है कि फुल फॉर्म बताना है, और ये फुल फॉर्म्स आप लोगों का क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा. 5 क्वेश्चन है, 5 आप लोग का इंटू 2 रहेगा, 5 × 2 आप लोग का, यानी कि 10 मार्क्स का फुल फॉर्म रहेगा. और ये फुल फॉर्म क्या है, थोड़े से अनकॉमन फुल फॉर्म से, जैसे एड्स वाला तो आप लोग को सिंपली आता है, बट बाद बाकी 4 जो है ये अनकॉमन है. और अनकॉमन क्वेश्चन ही आते हैं क्योंकि फ्रेंड्स आप लोग का जो करंट अफेयर्स से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब फुल फॉर्म में आते हैं, सिंपल फुल फॉर्म नहीं आता. तो सिंपल फुल फॉर्म पढ़ के कोई ज़रूरत नहीं होगा, आप लोग करंट अफेयर्स अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा. और वो मैं आप लोग को करंट अफेयर्स का डेली तो नहीं कराऊंगा, वीकली आप लोग का करंट अफेयर्स कराऊंगा, हर मंथ का करवा दूंगा. तो यहाँ पे सबसे पहले MEMS का फुल फॉर्म क्या है, माइक्रो इलेक्ट्रो मैकेनिकल सिस्टम. देन NPSM का है, नेशनल प्रोग्राम ऑन स्मार्ट मटेरियल्स. देन FRBM का है, द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट. एड्स का तो आप लोगों को पता ही है, एकॉर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. देन नेक्स्ट है WGIG, इसका फुल फॉर्म होगा वर्किंग ग्रुप ऑन इंटरनेट गवर्नेंस. इसका आप लोग का फुल फॉर्म भी हो गया. देन नेक्स्ट है फिफ्थ वाले क्वेश्चन में क्या है आप लोग का, ये GK वाला पोर्शन है. GK वाला पोर्शन में आप लोग सॉल्व करेंगे. कुछ नहीं, आप लोग का सब क्वेश्चन 2-2 मार्क्स के थे और ये आप लोग का टोटल 10 मार्क्स का था. हर एक सेक्शन आप लोग का 10 मार्क्स का है, सिर्फ आप लोग का जो ये हमारा ये मैथ्स वाला पोर्शन है वो 20 मार्क्स का है. तो टोटल आप लोग का 100 मार्क्स हो जाएगा. दिखाता हूँ, सबसे पहला क्वेश्चन है वेयर इज़ द नेशनल डिफेंस एकेडमी, जिसे हम लोग NDA बोलते हैं, जहाँ पे आप लोग का आर्मी का सब सिलेक्शन वेलेक्शन जो भी है ये होता है. तो NDA कहाँ पर है, ये पुणे के महाराष्ट्र में खड़कवासला में है. ठीक है, तो खड़कवासला पुणे महाराष्ट्र. देन नेक्स्ट है ऑन विच रिवर इज़ द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लोकेटेड, ये नर्मदा रिवर के ऊपर है. और यहाँ पे आप लोग का कन्वेंशनल मेथड है तो आप लोग डायरेक्ट ये लिखोगे तब भी चलेगा. बट आप लोग अब सोच रहे हो सर इतना सा लिखने से चलेगा, 2 मार्क्स मिल जाएगा. हाँ मिल जाएगा, अगर आप लोग अच्छी तरह से लिखना चाहते हो तो लिखिए ऐसे करके इन नर्मदा रिवर द सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज़ लोकेटेड, ऐसे करके थोड़ा सा बड़ा करके लिख दीजिए. बट आया तो एक ही चीज़ ना, वही नॉर्मल चीज़ सा, तो वही नॉर्मल चीज़ लिखिए डायरेक्ट, तब भी आंसर मिल जाएगा, मतलब आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा. देन नेक्स्ट है हु ऑर्गेनाइज्ड अभिनव भारत, तो ये वीर सावरकर ने ये ऑर्गेनाइज किया था अभिनव भारत. देन नेक्स्ट है हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म अंतर महल. अंतर महल आप लोग का ऋतुपर्णा घोष ने डायरेक्ट किया था. अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे सर ऐसे ऐसे मूवीज़ के डायरेक्टर क्यों बोल रहे हैं, तो आप लोग को थोड़ा सा वेस्ट बंगाल का हिस्ट्री, वेस्ट बंगाल का कल्चर पढ़ना पड़ेगा, तो आप लोग को पता चलेगा कि ऋतुपर्णा घोष कौन है. सोमेन चटर्जी, देन ऋतुपर्णा घोष, पाथिर पंचाली, सत्यजीत राय, ये सब आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इन सब से ही आप लोग का क्वेश्चन आता है. देन नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन ऑन विच डे वर्ल्ड हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड, ये 7 अप्रैल को हर साल आप लोग का वर्ल्ड हेल्थ डे ऑर्गेनाइज किया जाता है. देन नेक्स्ट है ये हेल्थ आप लोग को पूछ भी सकते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे आप लोग का, ये जेनेवा में है. देन नेक्स्ट आज ज़्यादा कुछ नहीं पता है, सिर्फ मैं आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी आप लोग को सॉल्व करवा दूँगा, 20 मिनट में आप लोग का एक क्लास हो जाएगा. देन नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यहाँ पे आप लोग का अब क्या करना है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था तब का, तो इसमें जो तब के क्वेश्चन थे उसको ही मैंने अभी का क्वेश्चन बना दिया है. तो ये तब का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, करंट अफेयर्स भी आप लोग का यहाँ पे 10 मार्क्स का दिया है. चलिए देखते हैं क्या है करंट अफेयर्स में. हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक माई म्यूजिक माई लाइफ, तो ये किसने लिखा था, ये रविशंकर, पंडित रविशंकर आप लोग को पता ही होगा, इंडिया की तरफ से सबसे पहले ग्रैमी अवार्ड यही लेके आए थे और ये सितार बजाते हैं. इन्होंने ये बुक लिखा था 1968 में और ये इनका बायोग्राफी है पंडित रविशंकर जी का. देन नेक्स्ट है हु इज़ द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जब क्वेश्चन आया था तब HS ब्रह्मा जी थे, बट अभी का जो आप लोग के प्रेजेंट हो गए वही मैंने लिखा है, तो वो कौन है, श्री सुनील अरोरा जी हैं. देन नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के तब का करंट अफेयर्स था, ये अरुंधति राय ने लिखा था और इंडिया के मोस्ट ट्रस्टेड या बहुत फेमस, सबसे ज़्यादा फेमस राइटर हैं इंग्लिश के. देन नेक्स्ट है ये औरत है, ठीक है. देन नेक्स्ट है फोर्थ हु इज़ द फर्स्ट वुमेन वाइस एडमिरल इन
इंडियन नेवी ऑन जून 20, 2005। देखिए कितना करंट अफेयर्स एकदम एग्जैक्ट उसी साल का आया है, तो ये आप लोग का हो जाएगा पुनीता अरोरा। देन नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, हु वन द मेन्स सिंगल टाइटल इन 2005 विंबलडन, जिसको हम लोग ब्रिटेन में खेला जाता है और ये सबसे ओल्डेस्ट वाला है, आप लोग को पता ही होगा। तो ये विंबलडन का खिताब किसने जीता था, मेन सिंगल्स ये रॉजर फेडरर ने जीता था। तो करंट अफेयर्स तो आप लोग को पता ही चल रहा है कितना इंपॉर्टेंट है और कितना सिंपल आता है, तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा पूरा ए टू जेड, अराउंड दो साल का कराऊंगा, 2019, 2018 और 2020 का जो ये आप लोग अगस्त तक का है वहाँ तक का कराऊंगा। देन नेक्स्ट आप लोग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अभी आप लोग आ गया जनरल साइंस, जो इस बार आप लोग का जनरल साइंस ए है, उसके बाद आप लोग का इन्वायरमेंट, लाइफ साइंस, हिस्ट्री ये सब है, तो वो सब रहेगा। तो इसमें जनरल साइंस अगेन आप लोग का पांच क्वेश्चंस थे, पांच क्वेश्चन के सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। विच इज़ द प्राइमरी यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्पीशीज़ है, ठीक है। स्पीशीज़ के बाद आप लोग का सेल, टिश्यू, ऐसे करके पॉपुलेशन, ये सब जो भी आता है वो मैं बाद में आप लोग को पढ़ाता रहूँगा। तो क्लासिफिकेशन का सबसे प्राइमरी यूनिट यानी कि सबसे स्टार्टिंग चरण किसे बोलते हैं, स्पीशीज़ को बोलते हैं। देन नेक्स्ट है, नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ वाटर गैस, वाटर गैस में क्या क्या चीज़ रहता है, आप लोगों को कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO बोलते हैं, बहुत ही पॉइजनस गैस होता है, और एक हाइड्रोजन होता है यानी कि H2, यानी कि दोनों के मिलन को हम लोग क्या बोल देते हैं, वाटर गैस बोल देते हैं। एक प्रोड्यूसर गैस भी होता है, एक वाटर गैस होता है, एक मार्स गैस होता है, ये सब आप लोग को GK में पढ़ाया जाएगा। देन नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, इन वट टेम्परेचर वाटर हैज़ इट्स मैक्सिमम डेंसिटी, वाटर का सबसे ज़्यादा डेंसिटी कब होता है, 4 डिग्री सेल्सियस में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होता है। देन नेक्स्ट है फोर्थ, विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, ये हाइग्रोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर नहीं, हाइग्रोमीटर, ठीक है, हाइग्रोमीटर हम लोग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हाइग्रोमीटर हो जाएगा। देन नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन, विच इनर्ट गैस हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इनर्ट गैस का बोला है, तो इनर्ट गैस में आप लोग का हीलियम का सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो कि आप लोग का -268 यानी कि 2068.93 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का GK का क्वेश्चन भी कंप्लीट, GS का क्वेश्चन भी कंप्लीट, करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब लास्ट बचता है आप लोग का मैथ्स का क्वेश्चन, अब मैथ्स का क्वेश्चन ऐसे करके मैं यहाँ पे करूँगा तो आप लोग उतना अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे, तो इसको मैं क्या करूँगा आप लोग को कल बोर्ड में करवा दूँगा, बोर्ड में करा के आप लोग को कल अराउंड दोपहर के करीब वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और इसको मैथ्स को कैसे करके सॉल्व करना है ये भी आप लोग को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज तक तो आप लोग सब लोग MCQ करते आए हो, और MCQ बेस्ड ये नहीं होता, ये कन्वेंशनल मेथड से आप लोग को सॉल्व करना पड़ता है, यानी कि जैसे आप लोग क्लास में करते थे, स्कूल में करते थे, वैसे करके आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा, और वैसे करके आप लोग स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। और स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखोगे आप लोग, डायरेक्ट एक शॉर्ट ट्रिक्स लगा दोगे या फॉर्मूला लगा दोगे, उसके बाद सॉल्व करके लिख दोगे आंसर, तो वहाँ पे आप लोग को मार्क्स नहीं मिलने वाला अच्छी तरह से। अगर आप लोग ऐसे करके सॉल्व करोगे तो मुश्किल से हाफ मार्क्स ही मिलेगा, अगर अच्छी तरह से आप लोग टाइप लिख लिख के स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आप लोग को फुल आउट ऑफ फुल मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोग का मैथ्स वाला सॉल्यूशन कल प्रोवाइड करवा दूंगा, और अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट वही कीजिए, अगर आप लोग को कुछ भी डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो, मैं कमेंट में ऑल टाइम 24/7 आप लोगों को रिप्लाई देते रहता हूँ, और ज़्यादा ही अच्छा लग गया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और तब तक के लिए इतना ही फ्रेंड्स, और अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरे को डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये नंबर मैंने दिया हुआ है, ये व्हाट्सएप में आप लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 9609714558 ये नंबर है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, दैट्स ऑल, थैंक यू।